नमस्कार संगीत पर आधारित इस खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है मैं हूं आपके साथ संयुक्ता बैनर्जी प्लेटो एक महान दार्शनिक हुए उन्होंने संगीत को लेकर कहा कि ये एक नैतिक कानून के जैसा है संगीत इस ब्रह्मांड को आत्मा देता है हमारे मन को पंख हमारी कल्पनाओं को उड़ान हमारे जीवन को एक उद्देश्य और साथ ही साथ इस पूरी दुनिया को ढेर सारा उल्लास जी हाँ संगीत की जब बात अब छिड़ ही गई है तो हम आपको बता दें कि आज हमारे साथ एक ऐसे कलाकार हैं जो सिर्फ हमारे देश में ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त मूर्धन्य गायक है मैं बात कर रही हूँ आचार्य पंडित गोस्वामी गोकुलोत्सव जी महाराज की महाराज जी बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में आपसे बातचीत का सिलसिला में शुरू करूं उससे पहले मैं दर्शकों को ये भी बता दूं कि एक बहुत लंबी फहरिस्त है उन सम्मानों की जिससे महाराज जी को सम्मानित किया गया है पद्म भूषण पद्मश्री साथ ही साथ दो बार राष्ट्रपति द्वारा स्वर्ण पदक भी उन्हें प्रदान किया गया है दिलित भी और साथ ही साथ तानसेन राष्ट्रीय सम्मान और ऐसे ढेर सारे सम्मान हैं एक लंबी लिस्ट हम कह सकते हैं लेकिन उन सबसे पहले जब मैं बात आपसे शुरू करना चाहूँगी क्योंकि एक बच्चा जब पैदा होता है खासकर एक ऐसे घर में जहाँ पे संगीत का माहौल है तो संगीत की दुनिया में वहीं से वो प्रवेश कर लेता है आपको भी संगीत विरासत में मिला है एक तरह से हम कह सकते हैं तो किस तरह संगीत की दुनिया में आपने प्रवेश किया क्या कुछ स्मृतियाँ आपको अभी याद आ रही हैं कुछ ऐसी बात जो आप साझा करना चाहे हमसे मुझे अभी तक ये पता नहीं कि संगीत की शुरुआत कैसे हुई बहुत स्वाभाविक था बहुत सहज और सरल था वो आपके लिए इतना सरल और स्वाभाविक था क्योंकि हमारे वल्लभ संप्रदाय में पुष्टि वल्लभ संप्रदाय में पुष्टि संप्रदाय में अष्ट छाप कवि मेरे पूर्वज महाप्रभु वल्लभाचार्य उनके शिष्य हुए हैं अष्ट छाप कवि उसमें सूरदास, कुमनदास परमानंददास आदि तो हमारे यहाँ अष्टयाम सेवा है और भगवान को जिन्हें हम श्री ठाकुर जी कहते हैं उनको संगीत से ही पदों से ही जगाया जाता है ऋतु के अनुसार कई प्रकार की राग रागिनी होती हैं, जैसे शीतकाल उष्ण काल, काल यानी गर्मी प्रावृत्ट ऋतु वर्षा के पूर्व और वर्षा ऋतु और शरद ऋतु हेमंत ऋतु वसंत ऋतु ग्रीष्म ऋतु तो ऋतु के अनुसार पदों का गायन होता है और समय के अनुसार होता है कि प्रातः काल कौन से राग गाए जाए अर्ली इन द मॉर्निंग कौन से राग गाए जाए मध्यान्ह में सायंकाल और रात्रि में कौन से रात्रि ज्ञ राग है तो वो रात दिन श्रवण करते करते जिसे कहते हैं कीट भ्रमर न्याय एक कीड़ा होता है और भ्रमर उसके ऊपर मंडराता रहता है और वो भी भ्रमर बन जाता है इसी प्रकार मेरी स्थिति हुई कि मैं श्रवण करता था तो ये मुझे पता नहीं ये बात लापता है कि कहाँ से शुरुआत हुई तो मैं बचपन से ही गाता था और मेरे पिताश्री गोस्वामी श्री गिरधरलाल जी महाराज उन्होंने मुझे इसकी विधिवत तो और व्यवस्थित शिक्षा दी जी। और बाद में फिर मैं इंदौर के संगीत महाविद्यालय के प्राचार्य पंडित मोरेश्वर राव गोलवलकर उनसे उनसे प्रभावित आपने हुआ आपने उनसे और शिक्षा, शिक्षा ली। की और बाद में मैं उस्ताद अमीर खान साहब से प्रभावित हुआ क्योंकि अमीर खान साहब हमारे यहाँ बहुत रहे थे और उस जमाने में या तो महाराजा तुकोज होलकर के यहाँ होता था और या फिर हम लोगों के यहाँ पर कलाकार गहरा सागर होता है संगीत उसमें आप बहे भी डूबे भी भी डूबे और जो रस लेकर उभरे हैं हैं पूरी दुनिया में उसका बांट रहे एक और चीज पे मैं आपसे जानना चाहूंगी संगीत की जब भी हम बात करते हैं हम घरानों की बात करते हैं हम तराने की बात करते हैं तो आपकी संगीत की परंपरा की अगर हम बात करें सबसे पहले शायद घराने और तराने से पहले में जो परंपरा है उसके बारे में जान लेना चाहूंगी मेरी जो परंपरा है वो है जहाँ से संगीत का उद्गम हुआ सामवेद परंपरा जी। तो सामवेद से ही संगीत का उद्गम हुआ है भगवान श्री कृष्ण कहते हैं श्रीमद भगवद गीता में कि नाम सामवेदों में सभी वेदों में सामवेद में हूँ तो हमारे जो भारतीय संस्कृति के अध्याय को हम खोल के देखें तो संगीत का मूल स्रोत सामवेद है और यजुर्वेद की परंपरा है तो ये परंपरा हमें वैसे मिली वसीयत में विष्णु स्वामी संप्रदाय से विष्णु स्वामी संप्रदाय की गद्दी पर महाप्रभु वल्लभाचार्य विराजमान हुए और उन्हें जगतगुरु महाप्रभु वल्लभाचार्य कहते हैं उन्हीं के नाम से ये मार्ग हवेली संगीतो वल्लभ संप्रदाय है तो ये परंपरा वैसे तो पाँच हजार वर्ष पुरानी है किंतु ये एक अनादि परंपरा है क्योंकि सामवेद का तो समय भी निर्धारित नहीं हुआ तो हम लोगों के यहाँ सामगी गाई जाती है सामवेद का गायन होता है और वीणा का वादन होता है वीना पे साम वेद का गायन किया जाता है। तो ये आज भी परंपरा अनु जारी है जी और घराना और क्योंकि उसका भी मैंने जिक्र किया था उसके बारे में भी आप बता दीजिए घरानों का ऐसा है कि घराने अभी डेढ़ सौ दो सौ साल से निकले हैं जी किंतु संगीत तो हमारा अनादि है इतना प्राचीन है कि यहाँ तक मैं कहूँगा कि हज़रत अमीर खुसरो जिनकी माता स्वयं हिंदू थी और उन्हें ऐसे संस्कार दिए संगीत के और शास्त्र के भी तो हजरत अमीर खुसरो अपने नाम के आगे अमीर खुसरो हिंद भी लिखते थे और उन्होंने हिंदी का प्रचार भी किया और फ़ारसी का प्रचार भी किया और भाषा में भी काफ़ी लिखा तो इससे ये लगता है कि ये घराना जो अभी निकला है ये 200 सालों से निकला है किंतु हज़रत अमीर खुसरो जैसे ये संगीत की परंपरा में एकदम जुड़ गए और उन्हें बहुत अच्छा लगा तो कहने का तात्पर्य यह है कि हमारी परंपरा जो है ये वेदों की परंपरा है ऋषियों की परंपरा है तो घराने गांव से या शहर से या नगर या नगरी से नहीं जाने जाते नहीं। ये जाने जाते हैं घराना शब्द ही एक तरह से तो नहीं है किंतु संगीत में जो मत हैं हनुमान मत शिवमत रुद्रमत नारद मत जी। भरत मत ये जितने मत हैं विष्णुमत उनके अनुसार गायन होता है हाँ। और उसी में जो आपने तराने का प्रश्न किया जी। तो तराना जो है उसमें बीजाक्षर है जैसे दीम त न अब दीम दीम यानी दी यानी दिव्यता का सूचक है hmm. इसका मतलब दी यानी दिव्यता दीदी दी ही दीदी दी दासी दीदा अग्नयद नमम जब हम आहुति देते हैं अग्नि में तो दिव्यता दिव्य स्वरूप हमारे में प्रविष्ट हो इसलिए हम प्रार्थना करते हैं hmm. और जो इसमें ईम है दीम वो क्लीम का काम बीज है जो हमारे मन में कामनाएं है होती हैं अनेक प्रकार की कामना है मनुष्य के अंदर तो काम जो है वो स्केटर्ड है घर बनाने की कामना है विवाह करने की कामना है अनेक प्रकार की कामना वो है क्लीम का ईम बीज दीम तना हम उसको बढ़ाते हैं उसकी वृद्धि करते हैं वैसे ही रीम, रीम यही ध्रुपद में है तो नोम नोम में ओंकार है और इस ओम में यानी ऋग्वेद उ यानी सामवेद और यानी यजुर्वेद चार तीनों का मिलकर के एक स्वरूप आता है तो इसमें अथर्ववेद भी सम्मिलित हो जाता है तो यह है ओम तो त नो ये ध्रुपद में भी हमारे यहां गाई जाती है परंपरा ध्रुपद तो ये बीजाक्षर है इसमें एक हिडन है वो सारे जो इंप्लीकेशन है क्योंकि जब राक्षसों ने असुरों ने पूजा पद्धति बंद करने के लिए अनेक प्रकार के कष्ट दिए प्रहार किए त्रास दिया, तब ऋषियों ने सोचा कि हम क्यों नहीं बीजाक्षर के रूप में शिव का अभिषेक करें तो उन्होंने जब देखा आकर के तो उन्होंने कहा अरे ये तो लिंग पूजक है और ये जो है कोई शब्द का प्रयोग तो करते नहीं है नहीं। दे दे तोम ताना ना ताना तो लोम जो है वो लक्ष्मी बीज है इसी प्रकार अनेक बीज बीजाक्षर जो हैं वो बीजाक्षर इसमें निहित हैं तराने में तराने में और तराना तब गाया जाता है कि जैसे बड़ा ख्याल गा लिया छोटा ख्याल गा लिया जिसे हम कहते हैं स्थाई भंजनी तो उस ख्याल का मतलब क्या जो सालक सूर एलादी प्रबंध से जो उत्पन्न हुए हैं जिनका विकास हुआ है वो आक्षिप्ति का ख्याल उसे बोलते हैं गीतिका प्रबंध गीतिका तो जो खयाल है वो द्विपदी है जिसमें दो पद हैं है, दो त्रिपदी भी है और ध्रुपद जो है विष्णुपद रुद्रपद चतुष्पद भी है नारद पद तो जब ख्याल या ध्रुपद गा लेने के बाद तराना गाया जाता है ध्रुपद में भी तराने हैं और ख्याल में भी है तो आज उसे ख्याल है। बोलते हैं तो तराना इसलिए गाया जाता है कि ताकि तरन्नुम में आदमी आ जाए झूम के गाने लगे और उसमें सारे शब्दों की उलटफेर हो जाए और उन शब्दों का अर्थ सही निकले भी भी आवश्यक है। ये भी आवश्यक है। है कि जैसे स्टेम्प होता है हुँ। मुद्रा हुँ। या मोहर रबर की होती है या जो भी हो वो होती तो उल्टे अक्षर हैं और जब हम उसे छापते हैं तब वो सीधे दिखाई सीधे दिखाई देते हैं तो ऐसे तराने की उलटफेर है इसमें अब कैसे है मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं जी बिल्कुल संस्कृत में जैसे अहम गच्छामी मैं जाता, मैं जाता हूं गच्छामी अहम मैं जाता हूं या अहम को हटा दीजिए गच्छामी यानी मैं जाता हूं तो क्रिया कभी भी लगाई जा सकती है कर्म कभी भी लगाया जा सकता है तो इसी प्रकार तराने में सभी ये जो सांकेतिक शब्द हैं सांकेतिक शब्द उनका प्रयोग किया जाता है और अत्यंत लय में भी किया जाता है और काव्य में भी किया जाता है यानी गीत के रूप में भी तराना गाया जाता है हाँ, और कविता और कविता के रूप में, में और कुछ लोग कहते हैं कि ये अर्थहीन है मगर अर्थहीन नहीं है तराने में हमारे वेद शास्त्रों के और भारतीय संस्कृति के वो बीजाक्षर छिपे हुए हैं कि जिनके माध्यम से हम सांकेतिक आ, क्या बोलते हैं कम्युनिकेशन करते हैं आया। एक हवेली संगीत का भी आपने जिक्र किया था जब आप परंपरा के बारे में बता रहे थे घरानों के बारे में बता रहे थे नाम पर अगर हम जाए हवेली संगीत किस तरह से इसका नाम आया क्या कुछ है ये आ, हवेली संगीत ये भी जानना चाहेंगे और खासकर कि हवेली संगीत की अगर हम बात करें आज का जो एक संगीत का जो प्रचलन है उसमें कहाँ कहाँ इसका इस्तेमाल किया जाता है उसमें भी बात शास्त्रीय संगीत बिल्कुल बिल्कुल शास्त्रीय संगीत देखिए दरअसल हवेली संगीत शास्त्रीय संगीत ही है जी इसमें जो ध्रुपद गाए जाते हैं प्रबंध गाए जाते हैं नारद पद विष्णु पद गाए जाते हैं <सथ> वो सारा शास्त्रीय संगीत ही क्योंकि वही राग बिहाग है वही मालकोंस है वही भैरव है वही मल्हार है किंतु हवेली संगीत नाम कैसे पड़ा हाँ। ये बड़ा आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया एक बार क्या हुआ डॉक्टर केसकर जो पूर्व सूचना प्रसारण मंत्री रहे और ठाकुर जयदेव सिंह जी दोनों ने हमारे वल्लभ संप्रदाय पुष्टि मार्ग की जो हवेली है जिन्हें मंदिर को हवेली कहते हैं जहां भगवान विराजमान होते तो उन हवेलियों में जब वो गए गुजरात उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश महाराष्ट्र पूरे भारतवर्ष में तो वहाँ जो संगीत गाया जा रहा था तो उन्होंने सोचा कि ओहो ये सारी बंदिशें रचनाएं तो हमारे ख्याल में ध्रुपद में गाई जा रही है शास्त्रीय संगीत जगत में जैसे बिहागड़े का लोग जयपुर घराना कहते हैं अब जयपुर घराने में आप देखिए बिहागड़े का पद गाया जाता है राग बिहागड़ा प्यारे पग हो ले हो ले। ये बिहागड़े में केदार में रोशनारा बेगम ने गाया है बन ठन कहाँ जू चले हो ऐसी कौन मन भाई इसी तरह से बागेश्वरी में अपनी गरज पकड़ भैया मोरी ये बागेश्वरी में है टोड़ी hmm. में है और फैयाज खान साहब ने वंदे नंद कुमारम ये गाया है hmm. और यहाँ तक कि पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर जी ने महत्खंडे साहब ने बहुत सारे पद लिए हैं जैसे यमन में चिरया चहचहानी या बनारे बलैया तो कहने का तात्पर्य ये है कि आज शास्त्रीय जगत में हवेली संगीत की पद रचना बहुत गाई जा रही है बड़े ख्याल में ध्रुपद में छोटे ख्याल में किंतु लोगों को पहचान अब मिली है इसकी और अब जानने लगे हैं क्योंकि हमारे यहाँ पूरे पूरे पद हैं जैसे डागर मलिक घराना और भी घरानों के तो वो महात्मा सूरदास जी कुमदास जी परमानंद बाद -बाद में इस संप्रदाय के शिष्य हुए तानसेन जी. जी तो मिया तानसेन इस संप्रदाय के शिष्य हुए और पहले वो श्री जी महाराज श्री महाप्रभु वल्लभाचार्य जी के पुत्र उनके दर्शन कर गए थे हाँ. बाद में क्या हुआ कि जब उनका उतार आया तो बहुत सारे गायक उनकी अवहेलना करने लगे अपमान करने लगे उन्हें बड़ी ठेस पहुंची तो वो फिर से व्रज में आए और स्वामी हरिदास जी के पास आए तो वहाँ काव्य का आनंद उन्हें मिला काव्य तो था किंतु वो चाहते थे काव्य के साथ राग रागिनी है प्रबंध भी हो तो वो गोसाई जी महाराज के पास आए तो गोसाई जी महाराज ने कहा विठल जी गोसाई जी ने कि आप बादशाह के गवैये हैं गायक हैं तो मैं इतनी मोहरें आपको सोने की दे करके आपका सम्मान करता हूँ और उन्हें दुशाला उड़ाया और ऊपर एक कौड़ी रख दी तो मियाँ तानसेन पूछने लगे कि भगवान ये दुशाला ओढ़ा करके आपने सम्मान किया और स्वर्ण की अशस्फियाँ दी हैं सोने की किंतु ये कौड़ी का मतलब मैं नहीं समझा कृपा करके समझाएं तब गुसाई जी महाराज ने कहा कि अभी तक तुम्हारा गाना दरगाही और दरबारी रहा किंतु जब इस गाने में भक्ति पैदा होगी सांस पैदा होगी तभी इसमें आंस पैदा होगी और ये प्रभु के लायक बनेगा तो जब तानसेन थकने लगे तो फिर वो वृंदावन और वृंदावन से गोकुल आए और गोकुल में उन्होंने श्री गोसाई जी महाराज और गोविंद स्वामी से भी शिक्षा दीक्षा प्राप्त की तो वो दर्पण तुम्हें जब डराने लगे और जवानी भी दामन छुड़ाने लगे तब तुम मेरे पास आना प्रिये मेरा घर खुला है खुला ही तो रहेगा रहे 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 तुम्हारे लिए तो तानसेन बाद में प्रभु के दरबार में आ गए वाह एक बात जो इस कार्यक्रम से पहले मेरी और आपकी हो रही थी उसमें आप बता रहे थे कि किस तरह से आप रोटी में घी लगाकर लोगों को परोसते हैं वो किसी पोथी या बोझ की तरह लोगों को आगे संगीत की विरासत नहीं सौंपते इस तरह से सौंपते हैं कि जब वो रोटी खाए तो उन्हें वो घी का स्वाद आए तो ये बहुत आवश्यक है आपने तो बहुत काम किया ही है लोगों ने तो आपके काम पर भी डॉक्ट्रेट कर ली है बहुत ऐसे तमाम लोग हैं उनकी भी एक लंबी फहरिस्त है जिन्होंने आप पे रिसर्च करके आपने जो रिसर्च किया है उस पर रिसर्च करके डॉक्टरेट अपनी पूरी कर ली है तो ऐसे में अब चूंकि एक बहुत बड़ा संसार है इसका उद्गम कहाँ से हुआ है ये भी खोज पाना मुश्किल है और अंत तो है ही नहीं तो ऐसे में इतना बड़ा जो एक सागर बार बार मैं कह रही हूँ उसको समेट कर आगे भी इसे बढ़ाना और लोगों तक पहुंचाना ये एक बहुत मुश्किल काम है किस तरह से उसे आप कर रहे हैं तो मैंने सुर के माध्यम से सुर का संदेश दिया और सुर की सुरीली दुनिया में ले गया और जैसे रोटी पर चुपड़ करके घी पिलाते हैं मोहन थाल लड्डू बर्फ़ी और विभिन्न प्रकार के जो अत्यंत स्वादिष्ट व्यंजन हैं उनमें हम घी पहुंचा देते हैं तो घी कौन सा ये क्रीम वाला घी नहीं ये तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ाता है हाँ। ट्राइग्लिसराइड बढ़ाता है लिपिड्स बढ़ा देता है एलडीएल बढ़ा देता है मैंने वो घी पहुंचाया कि वो खाने के बाद भी फिल्टर्ड के पहले दूध दही का दूध का दही दही का मठा मठे का मक्खन उसका मंथन घी और फिर घी का उपयोग तो वो सदुपयोग हुआ तो मैंने देशों विदेशों में भी जब मैं वर्ल्ड फेस्टिवल में गया तो मैंने भारतीय संस्कृति का पूरा घी उन्हें पिला पिला दिया पिला दिया खासकर जो नई पीढ़ी है उनका किस तरह का रुझान है शास्त्रीय संगीत को लेकर उससे भी आ, आप अच्छे से अवगत हैं तो उसे देख आपको क्या लगता है क्योंकि शास्त्रीय संगीत अपने आप में इतना बलवान है कि हम ये बिल्कुल नहीं कह सकते कि उसका भविष्य जो है वो कमजोर होगा कभी लेकिन फिर भी जो रुझान नई पीढ़ी का है किस तरह से आप देखते हैं? पहली बात तो यह है कि यदि आकाश तक की ऊंचाई पानी है यानी बिल्डिंग बनानी है, तो पाताल तक की गहरी नींव भी खोदनी पड़ेगी बिल्कुल तब जाके स्काई स्क्रेपर बिल्डिंग बनेगी तो नवयुवक चाहता तो है किंतु टाइम उसके लिए क्राइम बन गया है। <laughs> और उसे प्राइम बनाने के लिए अगर वो शास्त्रीय संगीत करे तो शास्त्रीय संगीत में इतनी ताकत है कि आप देखिए नए बच्चे सुसाइड कर रहे हैं पढ़ाई का बोझ है आर्थिक बोझ उन पर है और वो भी चाहते हैं कि हम कंधे से कंधा मिला करके चले कि इसके पास मसाइडीज है तो मेरे पास भी मजहडी गाड़ी होनी चाहिए तो कहने का मतलब यह है कि सबसे पहले तो उनके ब्रेन को न्यूट्रिशन देना वो देना बहुत जरूरी है संगीत की बात करते हैं जब भी हम अपनी विरासत को सहेज कर रखने की बात करते हैं तो साथ ही साथ एक और बात भी सामने आती है कि जिंदगी की भी अपनी तमाम उलझनें होती है जो वो हमें देती है आपने कहीं पे कहा था म्यूज़िक रिवील्स द जॉय एंड द पैथोज ऑफ लाइफ जो गम है वो भी वो शायद आपके मरहम का काम कर दे उस पर और खुशी तो वो आपको देता ही है या वक्त का जो एक किस तरह से हम उसे मैनेज करें ये समस्या सबके साथ है संगीत किस तरह से इसमें राहत देता है देखिए संगीत डिप्रेशन दूर करता है जी संगीत जितने मनोरोग हैं उन मनोरोगियों के ऊपर बड़ा अच्छा काम करता है एपलेप्सी यानी मृगी और जो स्त्रियों में हिस्टीरिया होता है Hmm. या जिसको बोलते हैं डिस, डिस्पेक्सिया यानी भूख का बिल्कुल मर जाना hmm. या सिरदर्द होना एसिड फॉर्मेशन बहुत ज्यादा होता रहता है तो इन सब की दवा एक है संगीत अगर किसी ने संगीत साधना कर ली तो मैं आपको बताऊं कि उसको इतना उत्साह आ जाएगा hmm. और उसके चेहरे पर इतना तेज दमकेगा कि आपको लगेगा क्यों कि संगीत साधना और आराधना से उसने अभी समस्त इंद्रियों को समस्त अष्ट धातुओं को अष्ट धातुओं को इतना क्रिएटिव बना लिया है स्वास्थ्य में आप देखेंगे तो उसका इतना बढ़िया स्वस्थ जीवन रहेगा किंतु उसे विधिवत और व्यवस्थित सीखना पड़ेगा तो रही बात गम की तो देखिए गम और खुशी तो जिंदगी में आती रहती है किंतु संगीत में मृत्यु को भी भयानक नहीं माना रौद्र और विभस रस को भी भयानक नहीं माना क्योंकि हम भी जब उसे गाते हैं तो स्वर में गाते हैं उन गीतों को भी जैसे रौद्र रस है विभस रस है करुण रस है तो वो संगीत कि ऐसी मिठास है कि स्वर की चाशनी में डूब जाता है अगर आप किसी को घी की शुद्ध घी की तली हुई जलेबी खिला दो हुँ. उसको मज़ा नहीं आएगा वो कहेगा नहीं आनंद नहीं आया शुद्ध घी की है चाहे भले शुद्ध घी को <coughs> की, घी की हो उसे जहाँ आपने शक्कर की चाशनी में डाल दिया डुबो दिया हुँ. तो वो शुद्ध घी की जो जलेबी है वो इतनी स्वादिष्ट लगेगी उसे और उसमें फिर संस्कृति की सुगंध इलायची केसर डाल दीजिए आप कि सबसे पहले हमें इसमें डूबना पड़ेगा भीगना पड़ेगा और काम सच्चाई से करना पड़ेगा जब मैं संगीत साधना क्या उपासना करता था आराधना तो टाइम का बहुत मैं पक्का था संगीत साधना संस्कृत सीखता था पहलवानी भी करता था और काव्य रचनाएं करता था और भी कई विधाएं मैंने यूनानी जो है आयुर्वेद यूनानी होम्योपैथी उसमें डॉक्ट्रेट किया जी। और यूनानी में एक मैंने किताब भी लिखी मफजनल मरकबात मरकबात दबा सा जी तो मेरा ये एक लक्ष्य रहा कि हर काम को आप विभाजित कर दें संस्कृत में भाष्य लिखे उपनिषद पर भाष्य लिखे संस्कृत में ही श्रीमद गीता पर लिखा भाष्य कई ग्रंथों की रचनाएं की पुस्तकें लिखीं तो मैंने एक बात पाई कि गुरु की कृपा गुरु का मार्गदर्शन माता पिता के आशीर्वाद हमारे अच्छे संस्कार क्योंकि अब हम नई पीढ़ी को संस्कार नहीं देंगे अगर हम हाथ मिट्टी में या कीचड़ में डुबोएंगे या अंगूठा तो कीचड़ के थापे लगेंगे और कीचड़ का तिलक होगा और यदि हम कुमकुम में रंगेंगे और फिर थापे लगाएंगे तो कुमकुम के थापे लगेंगे और कुमकुम का तिलक होगा हुँ। हुँ। तो सबसे पहला दायित्व यह है कि अगर बच्चे को आगे बढ़ाना है पढ़ाई में अच्छे मार्क्स लेकर के आएगा वो तो उसकी जो इच्छाएं हैं अभिलाषाएं है, उन्हें समझो पहले कि मैं एक जगह गया और मैंने एक स्कूल का उद्घाटन किया तो पुराने स्कूल से नए स्कूल में आए थे बच्चे तो एक बच्चा बहुत चिल्लाता था और एक बच्चा जो है वो दीवार पर इस तरह से लकीरें खींच देता था उन्होंने कहा कि महाराज जी कुछ बताइए मैंने कहा इसे तो आप चित्रकार बनाइए और इसे आप संगीत सिखाइए कई बार सिर्फ संकेतों से ही समझना पड़ता है कि बच्चा क्या चाहता है जी। तो हमारे यहां पर इतनी कलाएं हैं जैसे फेस फेस रीडिंग रीडिंग इतना काम देता है व्यावहारिक जीवन में भी संगीत के जीवन में भी कि श्रोता हमारे सामने बैठे हैं वो किस तरह के हैं किस टाइप के हैं अब उनकी कुंडली आप देखेंगे या उनका हाथ देखेंगे तो बहुत दूर की बात रही फेस से देख करके आप उन्हें बताइए तो ये सारी जो कलाएं हमारी भारतीय सभ्यता में, भारती में है भारतीय संस्कृति में है शास्त्रों में है हम तो उसके एक मात्र एक पोस्टमैन है मैसेंजर है, तो मैंने ये देखा कि एक बार सैन फ्रांसिस्को में जी। कुछ मनोरोगी आए थे बहुत डिप्रेस थे वो डॉक्टर साथ में थे मैं गा रहा था तो गाते गाते मैंने कुछ उपास साधनाएं करवाईं उनको ऐसे क्योंकि और भी बहुत माहौल था उसमें अफगानी लोग थे पाकिस्तानी लोग थे जो हमारे फैन हैं संगीत के तो हमने जब गवाया उन्हें कुछ इंग्लिश लोग थे कुछ अमेरिकन थे तो उन्हें महसूस हुआ कि एक एक चक्र से हम ऊपर जा रहे हैं तो जो ये जो डिप्रेशन से भी वो धीरे धीरे बाहर तो वो मेरे साथ गाने लगे अरे वाह डॉक्टर ने कहा कि आपने जादू कर दिया देखिए मेरा जादू नहीं है ये संगीत, ये संगीत का, जादू का, का जादू है बिल्कुल बहुत अच्छी बात कही आपने महाराज जी और इसी से आज उस कार्यक्रम को हम यहाँ पर समाप्त करना चाहेंगे कहते भी हैं कि जब शब्द जो है वो कमजोर पड़ जाए तब संगीत उसका जो प्रभाव है उसकी जो शक्ति है वो दिखाती है यही तो सुंदरता है संगीत की यही प्रभाव है संगीत का महाराज जी आपसे बहुत अच्छी बातचीत हुई आपके काम के बारे में पूरी दुनिया जानती है आ, उसके बारे में कुछ कहना बहुत ही कम होगा शब्दों में तो हम उसे समेट ही नहीं सकते लेकिन जिस तरह से आपने अपनी बात भी हमारे साथ रखी मुझे पूरी उम्मीद है कि जो हमारे दर्शक हैं उन्हें भी बहुत कुछ सीखने को समझने को आज मिला होगा बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए दर्शकों हमें भी उम्मीद है कि आपको यह कार्यक्रम बहुत अच्छा लगा होगा अगली बार फिर आपसे मुलाकात होगी आज के लिए बस इतना ही मुझे और मेरी पूरी टीम को इजाजत दीजिए नमस्कार